नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर। लंगट सिंह महाविद्यालय की आज 125वीं वर्षगांठ मनाया गया। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का आगमन हुआ। उन्होंने मुजफ्फरपुर और लंगट सिंह महाविद्यालय के गौरव को बनाए रखने के लिए उन्होंने साफ साफ कहा। आपको बता दें कि लंगट सिंह महाविद्यालय की स्थापना 3 जुलाई 1899 को हुई थी। आज 125वीं वर्षगांठ मनाया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, पहले आप सुने। जो सांस्कृतिक विरासत और बच्चों के प्रति उस गुलामी की दास्तां से मुक्ति के लिए जिन लोगों ने विपरीत परिस्थिति में इस तरह के संस्थान का निर्माण किया है, उनके चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने और अपने बच्चों को ये बताने कि बिहार ज्ञान विज्ञान की भूमि रही है। विकारों से मुक्त होकर बंधनों को तोड़ करके हमारे हर बिहारी गौरवान्वित हो, बिहार का जस फिर से फैले और देश का इतिहास में बिहार का प्रथम स्थान पहले भी था, आगे भी रहे, इस संकल्प को साकार करना। और नई शिक्षा नीति देश के माननीय प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, बच्चों को उद्यमी और बच्चों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ आगे बढ़ने का अवसर देने की पूरी तैयारी है। इस तैयारी में सब लोग मिलकर के सहयोग करें और कदम बढ़ाएं। इस कॉलेज का तारामंडल सबसे पहला तारामंडल था एशिया का, लेकिन आज जो है बंद हो भी पड़ा हुआ है। पूरी तरह से माननीय राज्यपाल महोदय की जो संरचना है और शिक्षा विभाग की जो रणनीति है, उससे आने वाले समय में बेहतर वातावरण बनेगा, शैक्षणिक माहौल और बेहतर बनेगा। तारामंडल से राहुल गांधी का जो संसद में प्यारा नजर आ रहे हैं। उत्तर बिहार का प्रमुख और सबसे पुराना उच्च शैक्षणिक संस्था है, जिसकी स्थापना 1899 में व्यापक सामुदायिक समर्थक द्वारा उभरते हुए भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि में की गई थी, जो पुष्पा साहब ने विस्तार से बहुत सारे विषय को रखे हैं। इस कॉलेज में 1915 में सरकारी कॉलेज घोषित किया गया और बाद में 1917 में पटना विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया। 1952 में बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना मुजफ्फरपुर में मुख्यालय के साथ की गई, तब से ये नए विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इस कॉलेज की स्थापना में जिनकी बड़ी भूमिका रही, आज वह व्यक्ति हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धांजलि ये अर्पित करते हैं। विषम परिस्थितियों में उन्होंने लोगों को साथ लेकर के कम उम्र में अभाव में भी अपनी प्रभाव को प्रदर्शित किया। उन्होंने लोगों को ये गुलामी के समय अपने बच्चों को शिक्षित करने और बिहार को आगे बढ़ाने के संकल्प को साकार किया। विद्वानों और पढ़े लिखे लोगों की संगति में उनकी बौद्धिकता को जो बोध कराया और वो पूर्ण रूप से स्वदेशी होकर स्वदेशी आंदोलन के अग्रणी रहे हमारे कन्नड़ जुझारू जमुई इंसान, जिनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और आज वो कई बड़े बड़े लोगों के साथ अपनी सानिध्य का प्रभाव का उपयोग करते हुए आज जो मुजफ्फरपुर को पहाड़ में दिए हैं, हम सभी उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज 125वां दिवस पर लोगों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हर समाज में ऐसे लोग जो बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने का, समाज को आगे बढ़ाने का, आने वाले पीढ़ी के भविष्य को संभालने का, अतीत से ज्ञान लेकर वर्तमान को सुधारने की प्रेरणा दे सके, कहीं न कहीं ये ठहर गया है। इस भाव को बढ़ाना हमारी आपकी जिम्मेवारी है। हम सब मिलकर के आज इसी देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी कॉलेज के विद्यार्थी रहे थे, उस दिन यहाँ प्रोफेसर भी रहे थे, राष्ट्रकवि राम भारत सिंह दिनकर भी यहाँ प्रोफेसर थे, महात्मा गांधी जी का पहली अहिंसक सत्याग्रह का चंपारण सत्याग्रह की पहली योजना की पहली नामी कॉलेज में हुआ था। इस दौरान जेएनयू के प्रधान यहाँ प्रोफेसर थे और गांधी जी उनसे मिलने इसके लिए आए थे। इस कॉलेज की स्थापना बड़े बड़े समाज के प्रबुद्ध लोगों ने अपनी संपत्ति को दान में दिया है। ये दान की वृद्धि से ही हमारी समाज की प्रवृत्ति बदलती
क्यों प्रकट होता था, ये वृत्ति क्यों की गई है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत। आज भी इस कॉलेज का निशान पुस्तकालय और प्रयोगशाला इसके स्वर्ण दिनों की याद दिलाती है। लंगर सिंह कॉलेज शुरुआत से लेकर आज तक लाखों प्रतिभावान को देश दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया है। बदलते वक्त के साथ पठन पाठन ने आधुनिकता को अपनाने वाले इस कॉलेज का अति प्रेरणा स्रोत है। सांस्कृतिक विरासत और बौद्धिकता के समृद्ध संस्मरणों को समेटे हुए इस कैंपस में आकर हमें अपने कॉलेज के योगदान याद आ रहे हैं और अपने विरासत में महापुरुषों के प्रति हमें जानने का, समझने का और अपने आने वाले पीढ़ी को बताने का अवसर भी मिल रहा है। इस कॉलेज की लोकप्रियता और महत्ता को बनाए रखने में यहाँ के प्रोफेसर का भी अहम योगदान है। हम यहाँ के प्रिंसिपल और प्रोफेसर सभी कॉलेज से जुड़े हुए इस कॉलेज परिवार के लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। कॉलेज की गरिमा कैसे बढ़े, शैक्षणिक वातावरण बेहतर कैसे हो, हमारे इस कॉलेज की गरिमा को और सम्मान को न बढ़ाए, पूरे मुजफ्फरपुर और बिहार की सम्मान बढ़ाने में जो अग्रणी भूमिका निभाता है वो इससे लोगों को निश्चित तौर पर सम्मान आपकी ओर से होते रहना चाहिए। आज भारत सरकार, बिहार सरकार, आज दोनों सरकार सुना बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कर रहे थे लंगर सिंह महाविद्यालय के स्थापना दिवस को लेकर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाव। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर में खुलने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता वाटर पार्क। जी हां, आगामी 7 जुलाई को होने जा रहा है एक्वा सिटी वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट का शुभारंभ। यहां आप विभिन्न स्लाइड्स के साथ कर सकेंगे भरपूर मौज मस्ती। तो देर किस बात की, चले आइए एक्वा सिटी वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट। हमारा पता है एक्वा सिटी वाटर पार्क, तिवारी ढावा के पीछे, मझौली बुधनगरा बोछा, मुजफ्फरपुर दरभंगा NH 27 मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में अनुष्का, तो आज हम आ गए एशियन पेंट शोरूम जो कि रामा हार्डवेयर का ही एक यूनिट है, जो कि नॉर्थ बिहार का पहला और पूरे बिहार का बिगेस्ट शोरूम है। आपके घर को शानदार बनाने के लिए पेंट, टेक्सचर, वॉलपेपर और कई फिनिशिंग सर्विसेज से भी डील करते हैं। यहाँ पे कलर कंसल्टेंसी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, जिसमें कि आप अपने रूम एंड घर की कलर कॉम्बिनेशन लाइव चेक कर सकते हैं। आपके पसंद के सारे वॉलपेपर्स जिसमें 3 साल और पेंट में 15 साल की वारंटी भी मिलती है। वॉल फिनिशिंग के साथ साथ वुड पॉलिश की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। चाहे तो इन सब कामों के लिए कंपनी के किसी पेंटर को भी हायर कर सकते हैं। आप भी सजाएं अपने घर के दरों दीवार एशियन पेंट के साथ। अभी कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा है जिसमें एशियन पेंट के सिलेक्टेड आइटम्स के 20 लीटर पैक पे आप आईफोन, कार, एसी तक जीत सकते हैं। अरे रुकिए रुकिए, स्टोर ऑफर भी चल रहा है। अगर आप 50,000 की खरीदारी करते हैं तो आपको पार्क एवेन्यू का 7-in-1 ग्रूमिंग किट भी फ्री मिलता है, जिसकी लोकेशन है जवाहरलाल रोड ऑपोजिट ऑफ रामा हार्डवेयर मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशियाओं को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।